पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चंदोसी विधानसभा स्थित नवीन जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में गांधी जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंदोसी विधानसभा से भाजपा टिकट के दावेदार डॉक्टर राजीव कुमार त्वचा रोग विशेषज्ञ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बच्चों के द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए तो वहीं सुंदर गीतों का भी गायन किया गया। विद्यालय के संस्थापक और प्रधानाचार्य के द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनका आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा कहा गया कि आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन्होंने मुझे इस मौके पर आमंत्रित किया, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह MBBS MD आज ये संदेश देना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे महात्मा गांधी जी, जो बापू जी के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्मदिन है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ही मूवमेंट चलाए थे। इस आज़ादी, देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी का बहुत ही संघर्ष रहा है। और मेरा बच्चों से एक संदेश है कि किसी भी क्षेत्र में आप लोग जाएं, लेकिन समस्याएं हर क्षेत्र में आती हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं से घबराने नहीं हैं बिल्कुल भी। उन्हें सबको पार करते हुए हमें अपने अचीवमेंट, मतलब जो गोल पे पहुंचना है। अगर हमें डॉक्टर बनने का सोचा है तो हमें डॉक्टर बनना है, चाहे कितनी भी अड़चन आए। IAS बनना है तो IAS ही बनना है, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितने अवरोध आए बीच में, हमें बनना ही है। और उसके लिए चाहे कैसा भी संघर्ष करना पड़े, क्योंकि महात्मा गांधी अगर ये सोचते मैं देश की आज़ादी नहीं दिला सकता, क्योंकि मेरे भी इतनी समाज में कुरूतियाँ हैं, अंग्रेज बैठे हुए हैं, उनमें बहुत शक्ति है, तो वो भी आज देश को आज़ाद नहीं करा पाते। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।